हेलो फ्रेंड्स, याली मदद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुमताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर पूरी मसाला आलू, जिसे लाल बटाटा भी बोलते हैं। और पूरी खास मेरी ग्रैंड डॉटर, जिसका बर्थडे 29 मई को है, उसके लिए है। तो ये वीडियो में सियाना को डेडिकेट करना चाहूंगी। ये वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले बनाते हैं खीर। खीर के लिए मैंने लिया है ये 3 लीटर गाढ़ा दूध, बादाम पिस्ता, चारोली, जायफल बारीक पिसा हुआ, ये 100 ग्राम बासमती चावल है जो मैंने कल 24 घंटे पहले मैंने धो के और सुखा के रखा है, और ये 200 ग्राम शक्कर है। सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। खीर के लिए गैस ऑन किया है मैंने। अब हम चावल को पीसेंगे, दरदरा सा पीसेंगे। साइड पकड़ेंगे। 30 सेकंड चावल मैंने पीसे हैं, इतने दरदरे से पीसे हैं मैंने। दूध का उबाल आ चुका है। अब हम पिसे हुए चावल डालते हैं और इसे हिलाते रहेंगे। इसको हम कम से कम 1 घंटा पकाएंगे और बीच बीच में हिलाते ही रहेंगे। शुरुआत में हम 5-5 मिनट से हिलाएं ताकि चावल नीचे चिपक ना जाए, और जब बिल्कुल चावल पक जाएंगे उसके बाद हम शक्कर डालेंगे। 1 घंटा हो चुका है, चावल बिल्कुल पक चुके हैं। इस तरह ऐसे दूध के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। और हम 200 ग्राम जो शक्कर है उसमें से हम 150 ग्राम डालेंगे। आखिर में हम चखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो डालेंगे, क्योंकि ये मोटी शक्कर है इसलिए शायद ज़रूरत ना हो। और खीर बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने मोटी हंडी ली है, इसका तलिया भी बिल्कुल मोटा है। वो इसलिए कि खीर बिल्कुल तलिए पे ना चिपके, अगर खीर चिपक जाएगी तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। 1.5 घंटा हो चुका है, खीर का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हुआ है। इस पॉइंट पे हम जायफल डालेंगे। जायफल बिल्कुल आधा चम्मच, छोटा सा जायफल, ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना कड़वा टेस्ट हो जाता है। तो आधा चम्मच ही डालेंगे, छोटा वाला। चारोली डाल देते हैं, बादाम पिस्ते डाल देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे गार्निश के लिए, और हिलाकर और 10 से 15 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देते हैं। और मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ शक्कर बराबर है या नहीं। शक्कर बिल्कुल बराबर है, 150 ग्राम। अगर आप बारीक शक्कर है तो थोड़ी ज्यादा लगेगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मसाला आलू बना रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए आलू। ये मैंने आधा किलो लिए हैं, आप मैंने छोटे लिए हैं, आप कोई भी आलू ले सकते हैं। तेल 3 कली लहसुन, कड़ी पत्ता 8 से 10 पत्ती, 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच इमली, 1 चम्मच जीरा। मैंने 8 कश्मीरी मिर्च लिए हैं, आप अपने हिसाब से लीजिए। और स्वाद अनुसार नमक। आलू उबालने के लिए रख देते हैं। पानी बराबर है, इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट तक उबालेंगे। मिर्ची के लिए मैंने उबलता हुआ पानी लिया है, तो हम मिर्ची में उबलता हुआ पानी डालते हैं। इमली 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, लहसुन डालते हैं और नमक डाल लेते हैं, और इसे 10 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख देते हैं, और इसके बाद हम इसे पीसेंगे।
10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे पीस लेते हैं बारीक। बिल्कुल टाइट पकड़ेंगे। एक मिनट मैंने पीसा है, देख लेते हैं। इसमें और थोड़ा पानी डाल देते हैं और थोड़ा बारीक कर लेते हैं इसे। 2 मिनट मैंने पीसा है, इतना बारीक होना चाहिए ये, देखिए कितना बारीक है ये। देखते हैं आलू पक चुके हैं या नहीं। आलू उबल चुके हैं, इसको थोड़े से हम कच्चे रखेंगे ताकि हम मसाले में पका सके। बस सिर्फ छिलका उतरता है जब तक रखते हैं। अब इसको हम गर्म पानी में ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक रहने देते हैं। आलू छिलके तैयार है, ऐसे कड़क ही होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए आलू। अब हम आलू बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले 3 चम्मच तेल डालेंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे, तेल गरम हो चुका है, अब हम कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम पिसा हुआ मसाला डालेंगे। अगर आपको सिर्फ लाल कलर पसंद है तो आप हल्दी मत डालिए, मुझे थोड़ा सा लाल और पीला मिक्स पसंद है, इसलिए मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। ग्राइंडर में मैंने पानी से मसाला ले लिया है, तकरीबन मैंने ये आधा कप पानी डाला है। इसमें हम ले लेते हैं सब पानी। देखते हैं अगर और पानी की जरूरत होगी तो हम थोड़ा डालेंगे। अब हम मसाला भून लेते हैं, ढक के थोड़ा सा 1-1 मिनट के लिए रखते हैं। देखते हैं, देखिए मसाला भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब हम आलू डाल लेते हैं। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, तकरीबन आधा ग्लास मैंने पानी रखा है इसमें। और इसको बंद करके हम 1 मिनट के लिए रख देते हैं। देखते हैं हो चुके हैं ये, इतना गीला रखिए आप, इतना गीला रखिए। और हरा धनिया डालिए ऊपर और बस इसे हम ढक के रख देते हैं। अब हम बनाते हैं पूरी। इसका फर्स्ट स्टेप, आटा बांध के रख देते हैं हम। इसमें हम थोड़ा सा पिंच नमक डालेंगे, 1 चम्मच तिल डालेंगे, मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस बार भूनते हैं। मैंने गेहूं का आटा लिया है सिर्फ, अगर आप चाहे तो गेहूं और मैदा भी मिक्स भी ले सकते हो, मैंने सिर्फ गेहूं का आटा लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम भून लेंगे इसे, और इसे थोड़ा कड़क ही भून लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पानी ना डालें, ज़रूरत के मुताबिक डालते जाएंगे हम। थोड़ा सा कड़क है, ऐसा कड़क, इतना कड़क रखिए। कड़क रखने से पूरी में तेल कम यूज़ होता है, जब हम तलते हैं तो इसमें कम तेल यूज़ होता है, इसलिए इतना कड़क रखें। और इसे अब हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। उस दरमियान हम आटा सॉफ्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है और थोड़ा सा हम तेल डालते हैं और हम पूरी के गोले बना लेते हैं। ये साइज के गोले बनाएंगे हम पूरी के, जैसे इसके हम पूरी के गोले बना लेते हैं।
इसको थोड़ा सा तेल वाला हाथ घुमाएंगे। छोटी पूरी बेल लीजिए, आपको अगर बड़ी चाहिए तो आप बड़ी भी बेल सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम पूरी तल लेते हैं। ब्राउन हो चुकी है पूरी, अब हम इसे निकाल लेते हैं। खीर हो चुकी है, लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, इतना लाइट ब्राउन कलर होना चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए खीर। थोड़ा सा बादाम पिस्ता डाल लेते हैं ऊपर। खीर पूरी बटाटे का कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी होता है। आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। सियाना हैप्पी बर्थडे टू यू।